सो हे गाइस व्हाट्स अप, आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बहुत सारी इंटरेस्टिंग हिप हॉप अपडेट्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। और यार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ ही बेल आइकन को भी इनेबल कर देना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो अब हम चलते हैं अपडेट्स की तरफ। तो यार पहली अपडेट आ रही है रॉब सी और एक्जी की तरफ से। अभी रिसेंटली जो है इन दोनों का एक कोलैब ट्रैक आउट हुआ है, ट्रैक का नाम है सन की और ये ट्रैक आउट हुआ है रॉब सी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो अगर बात करूं ट्रैक के बारे में तो ट्रैक मुझे काफी सही लगा है, खासकर रॉब सी का वर्स। एक्जी ने भी सही काम किया हुआ है पर रॉब का वर्स मुझे ज्यादा पसंद आया और इस ट्रैक का म्यूजिक भी जो है काफी कमाल का था। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये ट्रैक कैसा लगा, और जिसने अभी तक ये ट्रैक नहीं सुना है उनके लिए लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है हरजस की तरफ से। सो रिसेंटली जो है हरजस का भी एक ट्रैक आउट हुआ है, ट्रैक का नाम है कभी खुशी कभी गम और ये ट्रैक जो है एक हार्ड कोर हिप हॉप ट्रैक है, तो इसलिए नाम पे मत जाना। बाकी अगर बात करूं ट्रैक के बारे में तो ट्रैक एकदम कड़क है और इसका म्यूजिक भी जो है एकदम हार्ड कोर हिप हॉप सॉन्ग वाला है, मुझे तो काफी लगा है ट्रैक। बाकी यार आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा, और जिसने अभी तक ये ट्रैक नहीं सुना है उनके लिए लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। तो यार हरजस की तरफ से जो है एक और अपडेट आ रही है, वो अपडेट ये है कि भी रिसेंटली जो है हरजस का एक लेटेस्ट इंटरव्यू अपलोड हुआ है राज जोन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और इस इंटरव्यू में जो है हरजस से एक सवाल पूछा गया कि क्या उन्होंने कलमकार को छोड़ दिया है कि नहीं। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हरजस ने कुछ ऐसा ही दिया है कि उन्होंने कलमकार को जो है छोड़ दिया है, अब वो जो है इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। सो यार जिसको भी डाउट था कि हरजस ने क्या कलमकार छोड़ दिया है कि नहीं, सो फाइनली उसका आंसर जो है मिल चुका है, उन्होंने कलमकार छोड़ दिया है, अब वो इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। पर इसके पीछे का रीजन अभी क्लियर नहीं है कि किस वजह से उन्होंने कलमकार को जो है छोड़ा है। बाकी यार अगर आपको पूरा इंटरव्यू देखना है राज जोन्स का तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर सकते हो आप। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है इक्का पाजी की तरफ से। सो रिसेंटली जो है इक्का पाजी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में कुछ लाइंस लिखी। तो पहली स्टोरी उनकी कुछ ऐसी थी, स्नूप डॉग वाइब में चीखता ना गानों में, मेरे गाने हैं सुकून इनके खून कानों में। देन उसके बाद उन्होंने ये लिखा, अब गॉट खाता गॉट देखो। सो इन सब का मतलब यही होता है कि उनका एल्बम जो है बहुत ही जल्द आउट होने वाला है और एल्बम का नाम होने वाला है आई, और उस एल्बम में जो हमें काफी कोलैब सॉन्ग भी सुनने को मिलने वाले हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच कब तक हमें एल्बम सुनने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है एमवीवे बंटाया की तरफ से। सो जैसे कि सबको पता ही होगा कि एमएस धोनी ने जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। सो उस न्यूज पर जो है एमवीवे बंटाया ने रिएक्ट किया। एमवीवे ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये लिखा, एन एग्जांपल ऑफ रियल क्रिकेटर रियल कैप्टन रियल स्पोर्ट्समैन क्रिकेट का ओजी एमएस धोनी द लिविंग लेजेंड रिटायर्ड टुडे, इंडिया विल बी प्राउड ऑफ यू फॉरएवर रिस्पेक्ट एंड लव। और इसके साथ एमवीवे बंटाया ने एमएस धोनी की एक इमेज भी डाली हुई थी स्टोरी में। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है योयो हनी सिंह की तरफ से। सो हनी पाजी और सिंस्टा के अपकमिंग ट्रैक बिल्लो तू अक्का सेकंड टीजर आउट हो चुका है, और टीजर आउट हुआ है टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और फर्स्ट टीजर की तरह ये टीजर भी जो है काफी कूल है, और इस टीजर में भी जो है हनी पाजी काफी कूल दिखाई दे रहे हैं, और इस टीजर में जो है सिंस्टा की एक छोटी सी लाइन भी सुनाई दे रही है। बाकी वेट करो कल तक का पूरा ट्रैक आपको सुनने को मिल जाएगा, और ये ट्रैक जो है कल सुबह 11 बजे टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आउट होगा, तो वेट करो कल तक का ट्रैक आपको सुनने को मिल जाएगा। तो यार अभी के लिए बस इतनी अपडेट्स है, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हिप हॉप अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले। सो स्टे होम स्टे सेफ, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।